दिल्ली एमसीडी में फिर हुआ बवाल, सदन बना मारपीट का अखाड़ा, आपस में भिड़े आप बीजेपी पार्षद, महिलाओं ने भी किया उपद्रव। ये नजारा दिल्ली एमसीडी सिविक सेंटर का है, जहां पर मारपीट जारी है। मानो दिल्ली एमसीडी में जनता के चुने प्रतिनिधि विकास को पीछे छोड़कर शक्ति प्रदर्शन में जुटे हैं। एक बार फिर शुक्रवार की देर शाम आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्षदों के बीच जोरदार मारपीट हुई। दरअसल स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के लिए वोटिंग हुई थी, इसी बीच एक बार फिर से बवाल बढ़ गया। एक बार फिर से आप और बीजेपी पार्षद एक दूसरे से भिड़ गए। हालात ऐसे हुए कि पार्षद एक दूसरे को धक्का देने लगे और मुक्के मारने लगे। महिलाओं तक को नहीं छोड़ा गया। लोग हैं यहाँ पर, जिन्होंने यहाँ पर लेडीजों पे भी हमले किए हैं, लेडीजों पे भी हमले किए। चंदन झा पार्षद एक, वो सबसे पहले हरकत करते, वो मार गया, उन्होंने मारा, उन्होंने महिलाओं पे हमला किया, मेयर पे हमला किया उन्होंने। भाजपा के पार्षद भी बता रहे हैं, भाजपा के सुरों को मारा गया है, भाजपा के पार्षदों ने हमारे पार्षदों को पीटा है, मेयर पे हमला किया। दरअसल दिल्ली एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर शुक्रवार को वोटिंग हुई थी। वोटिंग के दौरान फिर से जमकर बवाल देखा गया। दोबारा काउंटिंग तक की मांग उठाई गई। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षद एक दूसरे के सामने आ गए। पार्षदों ने एक दूसरे को लात घूंसे मारे। महिला पार्षदों ने भी खूब उपद्रव मचाया। आज भी